खरगोन जिले के बोरावा में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव की जयंती के बहाने कांग्रेस ने वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। सुभाष यादव की मूर्ति लोकार्पण और प्रदेश स्तरीय किसान सहकारी सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिग्विजय सिंह सहित करीब 50 से अधिक कांग्रेसी विधायक मौजूद थे। देखिए इस दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने क्या कहा। 28 से ज्यादा जिलों की फसल की नुकसानी है और शिवराज सिंह जी केवल सर्वे की बात करते हैं और कह रहे हैं राहत मिलेगा। एक किसान को 5 हफ्ते हो गए, एक पैसा नहीं मिला। मैं मुख्यमंत्री था, मंदसौर नीमच में अतिवृष्टि हुई थी, हफ्ते भर में कोई सर्वे की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा ये फाइल का पेट हम बाद में भरते रहेंगे, आज जब किसानों को आवश्यकता है एक हफ्ते में इनको मुआवजा मिलेगा। ये आज मैं तो पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी से कि ये क्यों नहीं बट रहा, ये कब बटेगा। हालात है, घ्यों का भाव ले, यहाँ मालवा निर्माण में लहसुन का भाव ले। मेरे पुराने मित्र रहे वो, 1984 में पहली बार मैं उनके साथ सांसद बना था, उनके साथ फिर बराबर रिश्ते बने रहे, टूटे नहीं वो। और कई बार जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो मुझे यहाँ पे ऑब्जर्वर बन के आया मैं किसी ना किसी इलाके में, और एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें तड़प थी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वो कुछ करना चाहते थे और वही बैकग्राउंड से उन्होंने काम भी किया। वो जो मैंने जिक्र किया आपको निर्माण का, जिसमें पानी लाए, वो यहाँ के लोगों की मांग थी, यहाँ की भूमि को उपजाऊ करने में और खेती को बढ़ावा देने में वो सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो सुभाष यादव जी। सर आज क्या सरकार और लोग आज भी उनको बहुत याद करते हैं, जो हमारी एक पीढ़ी थी कांग्रेस के नेताओं की, जिसमें प्रकाश चंद सेठी साहब थे, अर्जुन सिंह जी थे, मोतीलाल वोरा, शंकर दयाल शर्मा, आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, तो उसी कड़ी में सुभाष यादव भी एक बहुत बड़ा नाम है मध्य प्रदेश का, जिसे लोग देखिए। आज स्वर्गीय पिताजी के जन्मदिन के अवसर पर उनके राजनीतिक जीवन के जितने भी तमाम साथी थे, चाहे आदरणीय कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे आदरणीय विवेक तनखा जी हो, चाहे आदरणीय गोविंद सिंह जी हो, चाहे आदरणीय राजमणि पटेल साहब हो, समस्त साथी ने आज यहाँ पर उपस्थित होकर के मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम हुआ और सभी ने अपनी श्रद्धांजलि और उनके जो स्वर्गीय पिताजी के साथ जो क्षण बिताए थे उन क्षणों को याद करने का काम किया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबाना ना भूलें।